हेलो फ्रेंड्स, बाउ लाइव में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रहस्यमय जंगल की सच्चाई आपके सामने खोलने वाला हूँ। पर फ्रेंड्स, उन पर रोशनी डालने से पहले, आज की जो अंधाधुंध कटाई है, जो पेड़ों की कटाई आँख मूंद कर शबों रोज की जा रही है, उस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं जंगलों की कटाई जोरों पर जोर शोर से हो रही है, जारी है। दोस्तों, इस अंधाधुंध कटाई में भी आज भी कुछ जंगल ऐसे हैं जिनका वजूद अब भी बरकरार है और जो इंसानों का सामना डट कर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दुनिया के टॉप 10 जंगलों से रूबरू कराता हूँ और उनकी सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। एक एक करके हम उन जंगलों को देखेंगे और उनकी सच्चाई को जानेंगे। पहला जंगल है मिंडो नेम्बिलो क्लाउड फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में फैले इस जंगल को दुनिया का सबसे ठंडा जंगल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह जंगल 192 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह जंगल अमेजॉन के जंगलों से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण यह उनका हिस्सा नहीं है। इस जंगल में 1600 से भी ज़्यादा पक्षी, मेंढक और दूसरे जाति के जानवर रहते हैं। यहाँ साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण यह जंगल जलीय कीड़ों मकोड़ों जीवों से भरा रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट फॉरेस्ट है चिनाबेलू नेशनल पार्क, एशिया। मलेशिया में बना चिनाबेलू नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। यह जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ों से घिरा यह जंगल डिज्नी के किसी फिल्म सेट जैसा नजर आता है। यह पार्क हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है, जिस कारण यहाँ मौजूद जानवरों की प्रजातियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन वह जानवर जो खूंखार और आदमखोर हैं, अब तक सही सलामत है। दिन के दौरान यह जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना और भयानक नजर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर, डेंट्री फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों का घर है। यह जंगल 1200 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह जंगल काफ़ी खूबसूरत है। यह जंगल 10,000 से ज़्यादा प्रजातियों के जानवरों का घर है। दोस्तों सुनिए, 10,000 से भी ज़्यादा जानवरों की प्रजातियों का घर है। वहाँ कितने जानवर होंगे आप सोच सकते हैं। अगला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ एशिया। नाम से ही आपको लग रहा होगा रेन फॉरेस्ट, यानी यहाँ कितनी वर्षा होती होगी। दक्षिण चीन में फैला ट्रॉपिकल जंगल चाइना और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में से एक है। ट्रॉपिकल जंगल की लंबाई कुल 2402 यानी कि 2402 वर्ग किलोमीटर है और यह चाइना के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। ट्रॉपिकल जंगल में 3500 से भी ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिसके कारण यह जंगल विज्ञान के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज़्यादा योगदान है। सुना आपने दोस्तों, 50% से भी ज़्यादा योगदान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर, अगला जंगल है सुंदरवन एशिया, हमारा अपना जंगल। सुंदरवन की लंबाई कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यह पूरे बांग्लादेश को सुंदरवन की कुल लंबाई 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यह पूरे बांग्लादेश को ढक देता है और साथ ही साथ के भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा
टाइगर रिजर्व है और सफ़ेद रंग का बाघ केवल सुंदरवन में ही पाया जाता है। दोस्तों गौर कीजिए, सफ़ेद रंग का बाघ केवल सुंदरवन में ही पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा होने के कारण सुंदरवन काफ़ी ज़्यादा डरावना और खूबसूरत भी नज़र आता है। अगला फॉरेस्ट है टोंगर्स, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के भूगोल में सबसे बड़ा जंगल टोंगस है। यह जंगल 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, यानी कि इसका पूरा एरिया श्रीलंका के पूरे एरिया से भी ज़्यादा है। दोस्तों सुनिए, श्रीलंका के पूरे एरिया से भी ज़्यादा इसका एरिया है। यह नॉर्थ अमेरिका में अलास्का तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलास्का में सोने की कई खाने मौजूद हैं। पर्यटन के मामले में यह जंगल दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जंगलों में से एक है। हर साल इसे देखने के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं। यह जंगल जानवरों और पक्षियों के साथ आदिवासी इंसानों का भी घर है। यहाँ पर 75,000 से भी ज़्यादा लोग 32 अलग अलग आदिवासी समुदायों में रहते हैं। यहाँ जाना खतरों से खाली न होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर। इस जंगल का नाम है वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। 2,48,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला यह जंगल आकार में यूनाइटेड किंगडम से भी ज़्यादा है। यह दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में फैला हुआ जंगल है। मुख्य रूप से यह चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। यह एक रेन फॉरेस्ट है जिसके कारण यहाँ लगातार बारिश होती ही रहती है। इस जंगल में 122 से भी अधिक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट की ओर, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका। नाम से ही पता चलता है रेन फॉरेस्ट यानी बारिश वाला जंगल। 20,23,428 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला कॉन्गो जंगल आकार में अलास्का और दक्षिण अफ्रीका से भी ज़्यादा बड़ा है। कॉन्गो में 10,000 से भी अधिक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि दुनिया की किसी भी जंगलों से ज़्यादा हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश होती है, इस कारण कॉन्गो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। कॉन्गो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है। यहाँ मौजूद पिराना मछलियाँ किसी भी इंसान को मिनटों में ख़त्म कर सकती हैं। कॉन्गो में ऐसे जानवरों की भरमार है। कॉन्गो जंगलों में 1,000 से भी ज़्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज़्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। अगला जो फॉरेस्ट है, आपने उसका नाम पहले भी सुना होगा, द अमेज़न फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका। 70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला अमेज़न जंगल पूरी दुनिया में जंगलों का राजा माना जाता है। यह जंगल किंग ऑफ द फॉरेस्ट है। यह एक साथ पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, सूरीनाम, गुयाना और वेनेजुएला जैसे देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में कई झरने मौजूद हैं। अमेज़न जंगल करोड़ों पक्षियों और जानवरों का घर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, इस कारण यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। अमेज़न की जंगल जहाँ जानवरों के लिए स्वर्ग है, तो वहीं इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यहाँ पर कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाने में दम रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और आखिरी फॉरेस्ट है टाइगा, एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका। यह जंगल 1,20,00,000 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टाइगा एशिया में रूस, कनाडा, यूरोप के कुछ देशों से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक फैला हुआ है। यह जंगल अंटार्कटिक महासागर में भी मौजूद है। अगर इस जंगल का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो यह भारत और चीन के पूरे एरिया से भी ज़्यादा है। दोस्तों सुनिए, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो यह भारत और चीन के पूरे एरिया से भी ज़्यादा है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जंगल कितना बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी अनोखी जानकारी? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।